नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रेकर को जब हम ऑन करते हैं तो ब्रेकर अगर ट्रिप हो रहा है, ऑन हो रहा है, तुरंत ट्रिप हो रहा है, तो ब्रेकर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों ब्रेकर ऑन हो के तुरंत ट्रिप हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने ब्रेकर को ऑन करने की कोशिश किया। ये जो ब्रेकर है अल्स्टॉम का, एक पुराना टाइप का है, एम्पैक्ट का ब्रेकर है। तो ये ब्रेकर को हमने ऑन करने की कोशिश किया था, ब्रेकर तो ऑन हो गया लेकिन तुरंत ट्रिप हो गया था। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ऐसा प्रॉब्लम आप भी फेस किए होंगे, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उसी इंडस्ट्री में भी अगर इसी टाइप का ब्रेकर लगा होगा, अल्स्टॉम का एम्पैक्ट ब्रेकर लगा होगा पुराना टाइप का, तो ये ब्रेकर क्यों ऑन नहीं होता है और फिर तुरंत ट्रिप हो जाता है, इसका रीजन क्या है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा ब्रेकर ऑन एंड ट्रिप के बारे में। और फिर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रेकर में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? दोस्तों, इससे पहले भी मैंने ब्रेकर के ऊपर दो वीडियो बनाए हैं, एक है एलएनटी का सी पावर ब्रेकर, दूसरा है एलएनटी का यू पावर ब्रेकर। उन दोनों ब्रेकर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है मैंने डिटेल में उसी वीडियो में समझाया था, पूरा वो प्रैक्टिकल वीडियो था, उस वीडियो में मैंने पूरा दिखाया था आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसी वीडियो का लिंक आज का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकर में ज़्यादातर मैकेनिकल डिवाइस रहते हैं, स्प्रिंग और मूविंग पार्ट्स, गियर कुछ रहते हैं। तो मान लीजिए किसी भी चीज़ में अगर कुछ कहीं पे कुछ चीज़ फंस गया है, सही तरीके से लुब्रिकेशन नहीं हुआ है, ग्रीजिंग नहीं हुआ है, तो जो पार्ट का जो फंक्शन रहना चाहिए वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। ये ब्रेकर पूरा डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर, फ्री मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हो सकता है कहीं पे कुछ लुब्रिकेशन का कमी हो, वो पार्ट सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, कहीं पे लैच होके रह गया है उसका ट्रिपिंग सर्किट। तो इसके लिए हमको ये पूरा ब्रेकर को चेक करना पड़ेगा और ब्रेकर को सही तरीके से लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि कैसे ब्रेकर का मेंटेनेंस किया जाता है और फिर कैसे हम उसी पार्ट को पता लगाएंगे कौन सा पार्ट में ये लुब्रिकेशन करने से वो पार्ट कहीं पे फंसा हुआ था, कहीं पे कुछ पार्ट फंसा हुआ है तो वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, आप भी देख सकते हैं। जैसा कि हर एक ब्रेकर में सेम चीज़ रहते हैं दोस्तों, क्लोजिंग कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल, रिले रहता है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर रहता है, रैक आउट ट्रैक इन करने के लिए उसका हैंडल रहते हैं, आर्चूट रहता है और कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट्स। तो हर एक ब्रेकर में यही सेम चीज़ रहते हैं। ये जो देखिए दोस्तों, अल्स्टॉम का एम्पैक्ट SCB लिखा गया है और उसका जो रेड वाला बटन उसके नीचे दिखाई दे रहा है वो है प्रेस टू रिसेट, यानी ट्रिप हो जाएगा तो यहाँ से आपको रिसेट करना पड़ेगा। और ये वाला है जो मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, वो वाला है उसका ट्रिप, प्रेस करेंगे तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो आपको पहले ये ब्रेकर का हर एक पार्ट को देख लेना पड़ेगा। ये देखिए नीचे रिले दिखाई दे रहा है आपको, और रिले में प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, आर्थवॉल प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये सभी प्रोटेक्शन रहते हैं। और ब्रेकर का रिले के पीछे उसका ट्रिपिंग कॉइल रहता है दोस्तों, जहाँ पर ये ट्रिप कमांड भेजेगा तो ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। तो दोस्तों, ये ब्रेकर का अभी कंप्लीट पार्ट्स हो गया और प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है, ब्रेकर क्लोज हो रहा है तुरंत ट्रिप हो रहा है, क्लोज होके तुरंत ट्रिप हो रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है। तो हमको पहले ब्रेकर का थोड़ा मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। मेंटेनेंस करने के लिए हमको पहले उसको, अभी देखिए हमने उसको पूरा ड्रॉ आउट पोजिशन में ला लिए हैं और ब्लोइंग का काम चल रहा है दोस्तों। ब्लोइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जितना सारा मूविंग पार्ट्स है, कहीं पे कुछ पुराना ग्रीस लगा है तो ग्रीस को निकाल देंगे, पुराना जितना सारा लुब्रिकेशन था उसको निकाल देंगे, नए से लुब्रिकेशन करेंगे, हर एक पार्ट को हम फ्री करने की कोशिश करेंगे, ये CRC की मदद से उसको फ्री करेंगे। उसका जो आर्चूट रहता है आर्चूट को खोलेंगे, आर्चूट खोलने के बाद उसका जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं कॉन्टैक्ट को हम क्लीन करा देंगे और फिर दोबारा हम उसको क्लोज करके देखेंगे कि कैसा क्लोज हो रहा है। क्लोज हो रहा है तो उसी समय ये उसका जो कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो रहा है कि नहीं उसको भी हम चेक करेंगे। ये करने से हमको पता चलेगा कि एक्चुअली कॉन्टैक्ट के बीच में कुछ गैप है या नहीं, या कॉन्टैक्ट सही तरीके से लग रहे हैं
उसका प्रिंग्स वगैरह कैसा काम करते हैं, वो सभी हमको चेक करना पड़ेगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सीआरसी का काम चल रहा है, जितना सारा मूविंग पार्ट्स है हर एक पार्ट्स में जितना सारा उसका रोलर है, रोलर को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये जो ब्रेकर है बहुत ही पुराना ब्रेकर है, 40 साल पुराना ब्रेकर है, तो इसी ब्रेकर का एग्जैक्ट स्पेयर हमको नहीं मिलेगा। अभी ये ब्रेकर पूरा बंद हो गया है, मार्केट में आपको खुद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसका किसी भी पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा और ये ब्रेकर आपको नहीं मिलेगा। तो इसी ब्रेकर का इसीलिए मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेकर अगर ख़राब हो जाएगा तो सेम ब्रेकर नहीं मिलेगा, नया टाइप का ब्रेकर हमको लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान से देखें इस ब्रेकर को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। और ये ब्रेकर में प्रॉब्लम क्यों आता है दोस्तों, ज़्यादातर डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए ये ब्रेकर को हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ब्रेकर के ऊपर डस्ट जमा हो जाएगा, जितना सारा पुराना ग्रीस लुब्रिकेंट्स लगे होंगे वो सब खराब हो जाएंगे, तो खराब होने की वजह से वो एक एडहेसिव का काम करेंगे। तो ये फ्री होने की बजाय ये पूरा सिस्टम को जाम करवा देंगे। तो इसीलिए जितना सारा पुराना ग्रीस सबको निकाल लेना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, रिले के ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है एक अप डाउन होता हुआ एक स्पिंडल आपको दिखाई दे रहा है, यानी जब भी हम इसको ट्रिप पुश बटन को दबा रहे हैं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिए उसका, अभी यहाँ से देखिए दोस्तों एक व्हाइट वाला बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जब भी हम ट्रिप को दबा रहे हैं वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये उसका मेन फंक्शन है। अगर ये वाला काम नहीं करेगा सही तरीके से, यानी ये जिसको मान लीजिए ट्रिप करने के लिए जिसको प्रेस करना पड़ेगा वो पहले से ही प्रेस हुआ है, यानी वो पहले से ही ट्रिपिंग पोजीशन में आ गया है, तो आप जितना बार भी इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे क्लोज तो हो जाएगा, लेकिन पहले से वो ट्रिप वाला जो लैचिंग होकर रह गया था इसके लिए हमेशा वो ट्रिप करवा देगा। तो अभी हम इसको वहाँ सीआरसी मार के इसको फ्री कर रहे हैं। अभी देखिए कैसे उसको फ्री कर रहे हैं, उसी जगह पे जहाँ पे ये अप डाउन हो रहा था उसी जगह पे सीआरसी मार दिया। अभी हम इसको यहाँ से जो ट्रिप वाला पुश बटन है उसको बार बार दबा के इसको फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रिपिंग मैकेनिज्म कैसा है, फिर उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अभी दोस्तों कॉन्टैक्ट क्लिनिक का काम चल रहा है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो काम है कॉन्टैक्ट क्लिनिक, ये सबसे डेंजरियस काम है, यानी अगर आपका जो स्प्रिंग अगर चार्ज कंडीशन में रहेगा, अगर उसी कंडीशन में आप इसको क्लीन करवा रहे हैं तो ये सबसे डेंजरियस सिचुएशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और बहुत सारे जगह पर एक्सीडेंट हुआ है ब्रेकर का काम करते समय। ये कॉन्टैक्ट को क्लीन करते समय बहुत जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए आपको हमेशा ये काम करने से पहले आपको देखना चाहिए कि स्प्रिंग उसका डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं। जो स्प्रिंग ब्रेकर में रहते हैं वो स्प्रिंग डिस्चार्ज हो जाना चाहिए और वहाँ पे फ्री लिखा होना चाहिए। फ्री अगर आप दूसरे टाइप का ब्रेकर में काम कर रहे हैं तो उसका इंडिकेशन रहेगा, कहीं पे येलो वाला व्हाइट वाला ऐसा सब इंडिकेशन रहता है, तो वो इंडिकेशन सही पोजिशन में आ जाना चाहिए। अगर आप पता नहीं कर पाए तो स्प्रिंग को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि स्प्रिंग चार्ज में है या डिस्चार्ज में है, फिर भी आपको दोबारा स्प्रिंग को डिस्चार्ज कर लेना चाहिए उस। तो दोस्तों इतना सारा मेंटेनेंस कर लेने के बाद अभी हमको लग रहा है कि ये बहुत फ्री हो गया है, बहुत ही स्मूथ हो गया है, तो अभी हम इसको दोबारा क्लोज करके देखते हैं क्लोज हो रहा है कि नहीं। पहले तो ये ब्रेकर का स्प्रिंग को ऐसे चार्ज करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे घुमा के ये हैंडल से इसको स्प्रिंग को चार्ज करते हैं और फिर चार्ज लिखा होता है उसका इंडिकेशन आ गया। अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने पर देखिए उसका कॉन्टैक्ट्स भी अभी क्लोज पोजीशन में चला गया और यहाँ पे आई लिखा है रेड वाला आई, यानी अभी ब्रेकर ऑन हो गया है, ब्रेकर क्लोज हो गया है। दोबारा फिर हम जब इसको ट्रिप किए तो तुरंत ट्रिप हो गया, और एक बार करते हैं। अभी देखिए फिर क्लोज हो गया, आई लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, फिर हम दोबारा इसको ट्रिप कमांड दे रहे हैं, ये ट्रिप हो रहा है, यानी ब्रेकर अभी पूरा सही काम कर रहा है, क्लोज हो रहा है और उसके बाद ट्रिप करने पर ये ट्रिप हो रहा है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, और देखते रहिए बोल बुल बुल, आगे भी आपको इसी तरह वीडियो देखने को मिले।